फ्रेंड्स, वीवो प्रो कबड्डी सीजन 9 के प्लेयर ऑक्शन के पहले दिन की सारी डिटेल आपके लिए लेकर आया हूँ। यह वीडियो देखने के बाद आपको कहीं और वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फ्रेंड्स, कौन सा खिलाड़ी किस टीम में खेलता हुआ नजर आएगा पीकेएल सीजन में, उस टीम द्वारा उनको कितने रुपए में खरीदा गया है, वहीं किस खिलाड़ी पर एपीएम कार्ड का उपयोग किया गया, वहीं बात करूंगा आखिर बेंगलुरु बुल्स ने पवन कुमार पर बोली क्यों नहीं लगाई, सारी चीजें आपको डिटेल में क्लियर करने वाला हूँ किस खिलाड़ी पर एपीएम कार्ड का यूज किया गया है। फ्रेंड्स, आइए एक नज़र डालते हैं पीकेएल सीजन 9 के ऑक्शन के पहले दिन किन खिलाड़ियों पर कितनी बोली लगी है। बात करें विशाल भारद्वाज 30 लाख रुपए में तेलुगु टाइटंस का हिस्सा बने हैं, वहीं नितिन रावल 37.5 लाख रुपए में हरियाणा स्टीलर्स के द्वारा खरीदे गए। वहीं बात करें अजिंक्य कापरे की 26 लाख रुपए में बेंगोल वॉरियर्स के हिस्से में आए। वहीं बात करें अजीत कुमार की 66 लाख रुपए में जयपुर पिंक पैंथर्स टीम का हिस्सा बने। वहीं डिफेंडर प्रवेश पेशवाल 62 लाख रुपए में तेलुगु टाइटंस का हिस्सा बने। वहीं विकास कंडोला ने रिकॉर्ड ब्रेकर प्रदीप नरवाल का रिकॉर्ड तोड़ते हुए 1,70,00,000 रुपए की बड़ी बोली इनके ऊपर लगाई गई। बेंगलुरु बुल्स का अब ये हिस्सा रहने वाला है। वहीं बात करें मनजीत को 80 लाख रुपए में हरियाणा स्टीलर्स ने खरीदा। वहीं सचिन तंवर के ऊपर पटना पायरेट्स ने एफबीएम कार्ड का यूज करते हुए 81 लाख रुपए में अपने पास ही रखा। वहीं प्रदीप नरवाल पीकेएल सीजन 9 मेगा ऑक्शन के पहले दिन 90 लाख रुपए में एफबीएम का कार्ड पहली बार हुआ इस ऑक्शन में और यूपी योद्धा ने इनको 90 लाख रुपए में फिर से अपनी टीम में रख लिया है। वहीं बात करें अभिषेक सिंह बेहतरीन रेडर 60 लाख रुपए में तेलुगु टाइटंस ने इनको अपनी टीम में रखा है। वहीं बात करें सुरजीत सिंह को 50 लाख रुपए में तेलुगु टाइटंस ने पहले दिन काफ़ी सारे खिलाड़ी परचेस किए हैं, काफ़ी मजबूत टीम नज़र आ रही है। वहीं बात करें लड़का खेले ब्यूटीफुल नाम है संदीप धुल, अब की बार खेलेंगे दबंग दिल्ली में, 40 लाख रुपए में इनको खरीदा गया है। वहीं बात करें रोहित गुलिया की तो 30 लाख रुपए में पटना पायरेट्स में खेलते हुए नजर आएंगे। वहीं ऑलराउंडर दीपक निवास हुड्डा को 43 लाख रुपए में बेंगोल वॉरियर्स की टीम ने खरीदा है। वहीं बात करें फजल अतराचली सुल्तान ने अपना ही पिछला रिकॉर्ड तोड़ा है और सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी के रूप में 1,38,00,000 रुपए में पुनेरी पल्टन के हिस्से में आए। वहीं बात करें इनके ही एक और ईरानियन खिलाड़ी मोहम्मद नबी बग 87 लाख रुपए में पुनेरी पल्टन के हिस्से में आए। वहीं बात करें पवन कुमार शेरावत हाई फ्लायर ने सारे रिकॉर्ड तोड़े हैं पीकेएल इतिहास के और 2,26,00,000 रुपए में इनको खरीदा है तमिल तलाईवाज और यू मुंबा के बीच काफ़ी लड़ाई चली लेकिन अंत में तमिल तलाईवाज के ये हाथ लगे। हालांकि बेंगलुरु बुल्स इनको एपीएम कार्ड का यूज करना चाहती थी लेकिन उनके पास इतना पर्स में बैलेंस नहीं बचा कि वो एपीएम कार्ड का प्रयोग कर सके, इस तरीके से तमिल तलाईवाज के हाथों गए पवन कुमार। वहीं सुमनील कुमार पिंक पैंथर्स टीम में खेलते हुए दिखेंगे। वहीं मोनू गोयत को 20 लाख रुपए में तेलुगु टाइटंस ने खरीदा है। वहीं बात करें नितिन तोमर की तो 30 लाख रुपए में यूपी योद्धा। वहीं बात करें चंद्रन रंजीत इस बार गुजरात टाइटंस टीम में खेलते हुए नजर आएंगे। फ्रेंड्स, दूसरे दिन क्या रहता है पीकेएल ऑक्शन सीजन 9 का, आप बने रहे हमारे वीडियो में। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाले वीडियो आपको बताऊंगा कि प्रत्येक टीम ऑक्शन के बाद किस तरीके से होने वाली है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स।